factor affecting the rate of substitution reaction in square planar complexes. Square planar complexes किसे कहते हैं जिसके अंदर numbers of ligand कितने हो? 4 हो. Hybridization कौन सा हो? TSP2. ध्यान रखना. Numbers of ligand 4 तो tetrahedral में भी होते हैं, पर उसमें hybridization कौन सा होता है? SP3 होता है. तो tetrahedral और square planar में बस difference इतना है कि सिमिलिटी तो ये है कि दोनों में नंबर्स ऑफ लिगेंड 4 होते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन देखे तो स्क्वायर प्लेनर में होता है DSP2 और टेट्राहेड्रल में होता है SP3. इतना माइनर सा चेंज है बस हाइब्रिडाइजेशन का चेंज. जब हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ है तो डेफिनेटली उसमें बॉन्ड एंगल भी चेंज होंगे. टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 109° 28' 109° 28' का. और स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल होता है 90 का. इतने डिफरेंस है इसके अंदर. अब चलते हैं समतल वर्गाकार संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ट्रांस इफेक्ट. हिंदी में लिखें तो विषम प्रभाव. ट्रांस इफेक्ट या विषम प्रभाव क्या होता है उसकी तरफ हम चलते हैं. हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में कोई एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से सब्स्टिट्यूट होता है यानी प्रतिस्थापित होता है, तो वह कौन सी जगह पर जाएगा, कौन से प्लेस पर जाएगा, इस इफेक्ट को हम लोग ट्रांस इफेक्ट कहते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेते और उसको समझते हैं. हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया PtCl3NH3, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है. अब यदि इस कॉम्प्लेक्स का मैं ज्योमेट्री बनाऊं तो मैंने लिखा Cl 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 और NH3, ठीक है, ऐसा कोई मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है. अब इसकी रिएक्शन सपोज हमने C2H4 के साथ कर, जब C2H4 के साथ रिएक्शन होगी तो इन 1, 2, 3 और 4 लिगेंड, इन चारों में से कोई एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा. टॉपिक हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन. तो कोई एक प्रतिस्थापित होगा. अब प्रतिस्थापित कौन सा होगा? या तो NH3 होना चाहिए या Cl होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा. पर यहां पर NH3 प्रतिस्थापित ना होकर Cl प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है. NH3 सब्स्टिट्यूट ना होकर Cl सब्स्टिट्यूट होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं, वो बात सीधी आ जाती फिर निकल के हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के पास. NH3 कौन सा बेस है? हार्ड है कि सॉफ्ट है? और Cl कौन सा है? Cl एक हार्ड बेस है, ठीक है. C2H4 भी एक हार्ड बेस है. तो हार्ड बेस को रिप्लेस कर रहा है. NH3 भी हार्ड है, NH3 के कंपेयर में Cl ज्यादा हार्ड होता है. तो NH3 को रिप्लेस ना करते हुए किसको रिप्लेस कर रहा हूं? Cl को रिप्लेस कर रहा है. जब Cl को रिप्लेस करेगा यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो C2H4, यहां पर NH3, यहां पर Cl और यहां पर Cl. इस इफेक्ट को ट्रांस इफेक्ट कह रहे हैं. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ज्योमेट्री बनी है, ज्योमेट्री टू टाइप की होती है, या तो सिस ज्योमेट्री होगी या ट्रांस ज्योमेट्री. सिस किसे कहते हैं? जब ग्रुप क्या हो? सेम साइड में. और जब ग्रुप क्या हो जाए? अपोजिट साइड में हो जाए, तो उसको हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं. तो यहां पर ग्रुप क्या हो गए? अपोजिट साइड में हो गए. कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? ट्रांस इफेक्ट कहलाएगा. यदि ऐसा हो जाए कि NH3 की प्लेस पर ही C2H4 आ जाए तो फिर ये इफेक्ट सिस हो जाए, ठीक है ना. तो कहने का मतलब यह है कि C2H4 ने NH3 को रिप्लेस ना करते हुए या सब्स्टिट्यूट ना करते हुए किसको सब्स्टिट्यूट किया? Cl को किया. इसलिए सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि इनके लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. एक और इसी तरीके की बात करता हूं. एक और कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं मैं, यहां पर NH3 को मैं हटा रहा हूं और NH3 की जगह लिख रहा हूं मैं C2H4 और Cl वापस कितने हैं मेरे पास में? 3. अब मैं रिएक्शन रिवर्स कर रहा हूं NH3
अब रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एन एच थ्री के साथ रिएक्शन। यहां पे कौन बाहर निकला था? यहां पर बाहर निकला है CNA, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, इसमें देखें तो एक तो C2H4 अपने प्लेस पर ऐसा कैसा है, कौन बाहर गया? तो ये Cl ऐसा कैसा है, ये Cl ऐसा कैसा है, ये NH3। इसने किसको रिप्लेस किया? Cl को रिप्लेस किया। क्यों किया? तो वही वापस बात आती है हार्ड बेस की, इनके सबके नेचर वही है, किसी नेचर इसलिए ऐसा हो। तो NH3C2H4 को रिप्लेस ना करते हुए Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है और वह अपने आप को ट्रांसपोजिशन पर यानी विषम स्थिति पर ले जाकर खड़ा कर देता है। ऐसे इफेक्ट को हम लोग ट्रांस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हो रही है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप पर, एक ग्रुप की पोजिशन पर दूसरा ग्रुप आ जाता है। अब ये इफेक्ट किसने बताया था? ये वर्नर और लैंगफोर्ड साइंटिस्ट ने बताया। किसने बताया था? वर्नर और लैंगफोर्ड साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रांस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स के बारे में जो वर्नर और लैंगफोर्ड ने बताया। आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ है, दिया है क्या? लिखा हुआ है वर्नर और लैंगफोर्ड ने विषम प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप के बारे में बताया था। क्या बताया था? सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट जो शो करता है वो Cl करता है, ठीक है। मैं कुछ ग्रुप लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद में ट्रांस इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है C2H4, फिर उसके जैसा होता है CO, उसके जैसा हो जाएगा NO, ठीक है। CH सिर्फ नेगेटिव है, बाकी सब न्यूट्रल है। यहां पर NO के बाद में आता है यहां पर PR3, PR3 के बाद में फिर H नेगेटिव, फिर CH3 नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे ग्रुप इसके अंदर चलते रहे, ठीक है। C6H5 NO2I नेगेटिव HCl Br, लिखना चाहे तो आगे लिखते हैं हम लोग, इसके पास Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, बहुत सारे ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद में पिरिडिन रिंग आ जाती है, RnH2 है, NH3 है, तो ये सब है। अब सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट कौन शो करेगा? Cl। तो हमने किसको ऐड किया था, किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया था? C2H4 के। इसने कौन सा इफेक्ट शो कर दिया? ट्रांस इफेक्ट। NH3 के बाद आता है OH और सबसे लास्ट में आता है H2। सबसे कम ट्रांस इफेक्ट कौन शो करता है? ट्रांस इफेक्ट का मतलब विषम प्रभाव, यानी कि जिस ग्रुप को ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो रिप्लेस करने के बाद में जो कंपाउंड होगा वो ट्रांस कंपाउंड बनेगा, बस ये होता है। कौन सा कंपाउंड बन जाता है? ट्रांस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट फैक्टर, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ट्रांस इफेक्ट के नाम से भी पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न पर टिप्पणी लिखो, उसमें उठा के दे देंगे ट्रांस इफेक्ट, विषम प्रभाव को समझाएंगे। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ लेबाइल ऑन लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लेबाइल ओवर लिविंग ग्रुप, हिंदी में लिखना चाहो तो परिवर्तन या मुक्त होने वाले समूह का प्रभाव। परिवर्तन या परिवर्तित, परिवर्तनीय होने वाले समूह का प्रभाव, परिवर्तनीय होने वाले समूह का प्रभाव। अब परिवर्तनीय होने वाले समूह के प्रभाव को कैसे हम डिफाइन करेंगे उसकी तरफ बात कर सकते हैं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया PT
डाइन और एक्स प्लस डी आई ई एन लिखा मैंने डाइन, यानी कि जिसके अंदर कितने बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ठीक है। चाहे तो इस एक्स को आप अंदर भी लिख सकते हो, चाहे बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप अंदर लिखो, बाहर लिखो, या तो बाहर भी लिख रहे हो तो भी सही, अंदर लिख रहे हो तो भी सही। अब हम क्या करें, इसमें कह रहे हैं कि इसमें कौन रिप्लेस हो सकता है, किसका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पर जो पीटी है वो टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे है, क्योंकि हमने एक्स तो एक ही लिख रखा है, चाहे बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो, एक्स एक ही है। तो एक्स ए के मतलब कि एक्स तो हेलोजन होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस वन, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, तो पीटी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, प्लस टू। तो यहां पर जो प्लेटिनम है वो प्लस टू में, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, जो डाइस होते हैं वो कौन से लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। अब हमने कहा है कि यहां पर एक्स क्या है, एक ऐसा ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब हम किससे सब्स्टिट्यूट, सपोज ये जो एक्स है इसका सब्स्टिट्यूशन किससे हो गया, वाई से हो गया। किसकी रिएक्शन करवा दी, वाई के साथ। अभी देखेंगे वाई क्या होता है। तो हमने लिखा सपोज पी टी डी आई ई एन, ठीक है, यहां पर आ जाएगा वाई और यहां पर प्लस, ठीक है, इस तरीके से कुछ रिएक्शन। अब पूरी रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि वाई के ऊपर डिपेंड करेगी, खास बात। पहले हमने इसके अंदर एक बात लिख रखी ऊपर, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम ये डिफाइन नहीं किया कि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक नाभिक स्नेही और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दो प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये यहां पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पर एक बात जरूर अपने को निकल कर आ गई, क्या वो निकल कर आई, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि x तो नेगेटिव है हमारा, तो ये भी तो नेगेटिव ही होगा। जब ये नेगेटिव तो ये भी क्या होगा, जो रिप्लेस करने वाला भी तो नेगेटिव है। जैसे हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, CH3Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव को तो रिप्लेस करेगा, क्या बनता है, CH3OH+Cl नेगेटिव बनता है, ये तो रिएक्शन हुई। तो ये कौन सा नेचर है इसका, न्यूक्लियोफाइल नेचर है, न्यूक्लियोफिलिक। तो जो ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है, वाई। इसका नेचर यदि न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक नहीं है, तो अभिक्रिया पूरी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, वाई के ऊपर। और यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, कि यदि एडिशन होने वाला या सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप वाई यदि न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल है तो अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है, और यदि, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन वाई पे डिपेंड ना करते हुए एक्स पे डिपेंड करेगी। ये इतना अंतर। अब न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कौन से होते हैं हम लोग जानते हैं, वैसे तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, N3 नेगेटिव, HCl, NO2, Cl, बहुत सारे, यानी जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो, किस किस के ऊपर है उसकी तरफ चलते हैं, हम उसकी सीरीज देखते हैं। सबसे पहले बात करें NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, फिर N3 नेगेटिव, HCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसके बीच में कोई क्या, NO2 नेगेटिव और Cl। यदि ये ग्रुप है NO3 है तो रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, Y के। NO2 है आखिरी में, Cl है साइनो नाइट्रो, क्या नाम है इसका, थायो साइनो, इसका N3 नेगेटिव, एजाइड, हाइड्रो ब्रोमो क्लोरो, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट
हिंदी में लिखे तो विलायक का प्रभाव। विलायक का प्रभाव ये क्या है? विलायक का प्रभाव क्या है? विलायक यानी सॉल्वेंट का रिएक्शन पर डिपेंड कैसे करेगा, उसकी तरफ चलते हम लोग। मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं, उसके द्वारा वापस समझाता हूं। PdCl2Cl इसकी रिएक्शन मैंने ऐसे सॉल्वेंट से की है जिस सॉल्वेंट में Cl नेगेटिव आयन और वो आइसोटोप कंडीशन में हो और उसका आइसोटोपिक नेचर Cl 36 हो, नॉर्मली मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एज ए सॉल्वेंट है, फिर बोल रहा हूं, ये तो हमारा क्या हो गया कॉम्प्लेक्स है, क्या हो गया एज ए सॉल्वेंट, क्या हो रहा है PT PY, PY का मतलब पीरिडीन, नंबर ऑफ लिगेंड्स 2, Cl2 यहां पर हो गया 36 और बाहर वापस आ गया Cl नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या इफेक्ट कर रहा है, उसकी तरफ चलते हम लोग, यानी सॉल्वेंट क्या इफेक्ट डाल रहा है। जो सॉल्वेंट होता है वो वहां से रिप्लेस होने वाले ग्रुप या मुक्त होने वाले समूह के आधार पर यदि बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में उस मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जितनी अधिक होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही मैक्सिमम होगा। मैं वापस दोहराता हूं, मैंने कहा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की इस सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जितनी एक्सेस होगी, जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है ये स्पेशल टाइप के सॉल्वेंट है। वैसे H2O भी हो सकता है, H2O भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट की एक खास बात है, एक बात जानते हैं, सॉल्वेंट कौन से नेचर का होना चाहिए, जनरली पोलर नेचर का होना चाहिए। जनरली बात करते हम लोग कौन से नेचर का, पोलर नेचर का होना चाहिए, तो ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन हमने कही कि यदि विलायक के अणु को बंद बनाने की क्षमता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक हो जाता है, और यदि वहां पर कोई स्पेशल टाइप के आइसोटॉप्स आइसोबार के सॉल्वेंट यदि है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक है, यही दे रखे कि और भी कुछ दे रखे? चलो एक और, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, लास्ट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, हिंदी में कहें तो संकुलों पर उपस्थित आवेश का प्रभाव, संकुलों पर उपस्थित आवेश का प्रभाव। इसमें एक लाइन सीधी निकल कर आती है, हम बात कर किसकी कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। अब मैं एक लाइन बात कर रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, सीधी सी बात है, ये है कि इसके ऊपर चार्ज का इफेक्ट रिएक्शन रेट की यदि बात करें, अभिक्रिया के वेग की, अभिक्रिया की दर की बात करें, ठीक है,
तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर आवेश का जो प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक लाइन कह रहा हूं, यदि समतल वर्गाकार संकुल है तो अभिक्रिया वेग पर आवेश का प्रभाव नगण्य हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, उस चार्ज के ऊपर क्या हो गई, नेग्लिजिबल, चार्ज का यहां पर कोई भी रोल नहीं होता। सीधी सी लाइन में, एक लाइन में कहना चाहिए। ठीक है, तो आवेश का प्रभाव समतल वर्गाकार संकुल यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है। क्लियर है, तो ये थे इसको प्रभावित करने वाले कारण। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आप लोग बताएं।